हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है डेट एक सेकेंड फ्रेंड्स, आज है डेट 13th of July और डे है ट्यूसडे। टाइम हो रहा है 10:30। आज यूजुअल मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और मैं बैठी हूँ बेडरूम में, क्योंकि मुझे करने हैं बहुत सारे कपड़े फोल्ड। और जो मैंने लिपस्टिक लगाया है वो है माई ग्लैम से, जो मुझे लिपस्टिक आया था ना वही लिपस्टिक लगाया मैंने। देखा, मुझे पता नहीं था कि मैं आज रेड कलर का ड्रेस पहनूंगी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मम्मी का फोन आ रहा। हाँ मम्मी, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे मम्मी का कॉल आ गया था। मैं क्या बात कर रही थी मुझे याद नहीं। हाँ, तो जो लिपस्टिक मैंने लगाया है ये जो कल आया था माई ग्लैम उसका लिपस्टिक है। आप कलर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं आज रेड कलर का ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि मैं पहले मैंने ना ग्रीन कलर का ऐसे नाइट गाउन पहना था, गाउन पहना हुआ था मैं, तो लिपस्टिक मैं रोज़ लगाती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला लिपस्टिक कैसा दिखता है, क्योंकि कल मैंने सिर्फ नीचे लगाया था, ऊपर की तरफ नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये ट्रांसफरेबल नहीं है और ऐसे चिपचिप कुछ भी नहीं लग रहा है, अच्छा है। तो इसके अलावा अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। वाह, ये और मेरा लिपस्टिक एक ही कलर का ही ड्रेस, तो कपड़े फोल्ड करना है मुझे अभी। आप लोगों को भी चाहिए तो ये लिपस्टिक आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने आज खाने में बनाया है रोटी, रूही के लिए थोड़ा सा चावल, और बनाया है टमाटर की जो चटनी, मतलब सब्जी जो होती है वो बनाया है मैंने। मुझे अभी जाके सब्जी लेकर आना है। घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, सिर्फ आलू और टमाटर, अच्छी आलू भी नहीं है, प्याज और सिर्फ टमाटर रखे हुए हैं, बाकी कोई भी सब्जी नहीं है और हरी मिर्च है बस। तो बस वो तीनों ही मिला करके मैंने टमाटर की चटनी बना दिया था। अभी मुझे जाके सब्जी वगैरह लाना है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। फिर से मेरे मम्मी का मम्मी। हाँ मम्मी। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने बोला था कि आधे घंटा टाइम लगेगा, पर वो थोड़ा जल्दी आ गए। तो देखिए, मैंने बैग ले लिया और अभी हम लोग निकले हैं मार्केट में। रोही मैडम देखे एकदम रेडी है आज, उसने अपना खिलौना शिलौना भी सब ले लिया है। पता नहीं, जैसे कोई हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर, ये हमारा पार्किंग एरिया टाइप है, यहाँ पर हम लोग ने गाड़ी रखा हुआ है। उसको उसका गाड़ी चाहिए। ए रूही पापा, इन्ना इन्ना एडिट वंदे छुपा रहे 1120 वरुण पा। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने वेजिटेबल्स ले लिया है और अभी हम निकले हैं बाहर। लेकिन मैंने इसलिए शूट नहीं किया था कि वहाँ बहुत रश था और मैं रूही का हाथ छोड़ नहीं सकती थी, कि मेरे हस्बैंड जो है वो देखिए क्या कर रही है, गंदी हरकतें सब करता रहता। सो मैं इसलिए शूट भी नहीं कर पा रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो सब्जी का बैग वगैरह पकड़े थे और मुझे रूही को पकड़ना था इसीलिए। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक देखिए फ्रूट शॉप में आके रुके हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी कहीं भी बाहर जाते हुए तो उनको जूस कंपलसरी चाहिए होता है। आप कितना भी घर में जूस बना के दे दो, वो जूस पीते ही पीते बाहर। सो अभी वो गए हैं अपना जूस पीने के लिए और मैं और रूही बैठे हैं। ये देखिए रूही के बाल, देखिए देखिए, मुझे पता नहीं, रूही के बाल बहुत पसंद है मुझे ना। आधे बाल स्ट्रेट रह के जो नीचे में कर्ल्स रहते हैं ना, वो बहुत पसंद है, और रूही के बाल ना वैसे ही है, तो मुझे बहुत ही पसंद है। आप भी बताइएगा कि रूही के बाल कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अभी तो राइड, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, और घर जाने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि मुझे जो कपड़े थे मैं जो तय लगा रही थी वो भी आधे वैसे ही रखे हुए हैं। उसके बाद अभी मैं वेजिटेबल सब लेकर जाऊँगी, तो वो मुझे बाहर ही धोना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। फिर जब पानी उसका क्लीन हो जाएगा तब मैं फ्रिज में रखूँगी, तो और थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गया हम लोग का जूस पीना। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड है, स्कूल का यूनिफॉर्म, जो कॉलेज यूनिफॉर्म होता है ना वैसा ही वाला शर्ट पहना है इन्होंने, पर इसमें थोड़े से छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स है, वो पता नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जा रहा है घूम करके, वैसा ही दिख रहा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, एक चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ जो घर जाने के बाद मैं बताने की बताऊँगी आप लोगों से। यहाँ पे कार में इतना कंफर्टेबल नहीं है,
सो अभी हम निकले हैं घर के लिए और हम लोग अभी चले जाएंगे घर के लिए। उसके बाद जाने के बाद बहुत सारा काम है, वो भी शूट करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं जब वेजिटेबल्स बाहर से लेकर के आती हूँ तो मैं उसको किस तरीके से धोती हूँ, कैसे स्टोर करती हूँ, क्या करके। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स। अभी ये देखिए, ये हम लोगों का घर के पास का ही है। ये देखिए यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए एक गाड़ी, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सारा जो है ये आवरी कॉरपोरेशन वालों का है गाड़ी, जो अभी यहाँ पर क्लीनिंग शुरू है। देखिए कितने सारे बफेलोज भी रोड पे, और मेरी लड़की देखिए पैर कहाँ कर रही है, क्या कर रही है बदमाशी। देखिए ये देखिए गाड़ी के सामने आ गए हैं बफेलोज, बफेलोज के पगेल से गाड़ी निकालते हुए मेरे हस्बैंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि भैंस लोग जो होते हैं ना, मतलब भैंस जो बफेलो होता है, उनको दिमाग नहीं होता है गाड़ी कितना हॉर्न भी मारेगी तो वो अपने रास्ते से ही जाते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर है VGN अपार्टमेंट्स, और थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, आंध्रा रेस्टोरेंट। अभी इसको फिश मार्केट और चिकन वगैरह सब कुछ नॉन वेज मिलता है वहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आ रहा है एक स्कूल, ये है VGN चिन्मया स्कूल, CBSE एफिलेटेड टू CBSE है ये। बाकी देखिए हमारा घर देखिए इधर, देखिए पूरा ऐसा लगता है कि कहीं गांव का एरिया है, एकदम से गांव वाला फीलिंग आ जाता है। यहाँ पर ना बहुत भीड़ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर शायद रात में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, पूरा विलेज लुक और एकदम विलेज वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स इतना सब कुछ तो दिखा दिया आप लोगों को, हमारा विलेज, हमारे सिटी के अंदर का विलेज दिखा दिया आप लोगों को, घर भी देख लीजिए आप इसके अलावा। और यहाँ पर नए नए शॉप्स ओपन हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ छोटे छोटे घर हैं। थोड़ा आगे जाने बाद हम लोगों का शॉप आएगा, हम लोगों का शॉप भी दिखा दूंगी मैं आप लोगों को। ये जो कुआं दिख रहा है ना सामने में, यहाँ रिसेंटली एक लड़का, तीन दोस्त थे, तीनों वो शायद से ड्रिंक कर करके तो दोनों ने मिलकर एक को उसमें गिरा दिया और उसकी डेथ हो गई थी। इसको यही कुआ है वो। अभी आप देख सकते हैं सामने राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा घर आएगा, दिखाती हूँ मैं आपको राइट साइड में एक घर। कौन जब स्लो हो मामा, ये देखिए आप घर देख सकते हैं आप लोगों को, ये एक्चुअल में यहाँ के जो प्रीवियस काउंसलर थे उनका घर है। और सामने आप देख सकते हैं मैंने पहाड़ी वॉशिंग मशीन में पानी भर लिया है, अब मैं उसमें डालने जा रही हूँ वेजिस एंड फ्रूट्स वॉश। डाल दिया मैंने, अब इसको अच्छे तरीके से मिला नहीं पानी में। अब इसमें मैंने वेजिटेबल्स मैंने अपने सारे किधर बास्केट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं, तो चलिए वॉश करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं इससे मैंगो से, अब देख सकते हैं एक एक मैंगो कितना बड़ा बड़ा है। मैंने मैंगो वॉश करके रख लिया है, अब मैं वॉश करने जा रही हूँ इसमें गुआवा, अमरूद, गुआवा, जाम और क्या क्या कहते हैं पता नहीं। नेक्स्ट अभी हम डाल देंगे टोमेटो, मैं इस कवर को भी वॉश करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अभी टमाटर धो करके
पानी में अच्छे से उसको एक बास्केट में निकाल ले रही हूँ। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे कोई भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है बास्केट में रखें, तो वो बास्केट जो है ऐसे जाली वाला हो, ताकि जो पानी उसमें एक्सेस वाटर जो होता है वो जो जाली होता है मतलब स्पेस होता है उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। तो मैं अभी इसी तरीके से सारे वेजिटेबल्स जो है एक 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 कर कर इसमें से धो लूँगी। देखिए मैंने ग्रीन, वैसे तो बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो धोना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अभी जो भी चीज़ बाहर से आता है उसको धोना ज़रूरी होता है। अब मैंने क्या कर दिया, सारे ही वेजिटेबल्स इसमें डाल लिए, सिर्फ प्याज मैंने नहीं डाला था, प्याज मैंने अलग से इसमें निकाल के रख लिया था, और बाकी सारे वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दिए थे। और एक एक करके अभी मैं उसको उसमें से धो करके सेट करके सारे एक एक बास्केट में रख ले रही हूँ। देखिए आप, जैसे मैंने कैबेज एक इसमें रख लिया है, कैप्सिकम एक इसमें रख लिया है, तो बस इसी तरीके से मैं जब भी वेजिटेबल्स बाहर से लेकर आती हूँ तो मैं उसको बाहर ही धो करके बाहर ही उसको अच्छे से, ये देखिए पानी कितना गंदा हो गया, ये देखिए मैंने यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ा सा छोटा सा ऐसे शेल्फ़ टाइप का बना करके, शेल्फ मतलब ऐसे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया 10 o'clock। मुझे आज दिन भर में बहुत सारा काम था, जैसे कि आपने देखा कि मैंने सब्जी वगैरह धो के रखा है, तो वो सब्जी को मैंने पूरा लाकर फ्रिज में सेट करना, उसमें जो कड़ी पत्ता होता है और फिर पुदीना जो था वो सब कुछ को तोड़ करके बॉक्स में रख कर रखना, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए मैं फिर वीडियो नहीं कर पाई। अभी टाइम हो गया है 10 o'clock, 9:50 कुछ हो रहा है, मेरे हस्बैंड आ गए खाना खा लिए, रूही थोड़ा सा बैठी है सोफे पर, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ बात बेडरूम में हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो सुबह फोल्ड किया था वो कपड़े भी इधर ही रखे हुए हैं, अभी तक उसको भी अंदर रखने का टाइम नहीं मिला मुझे। और हम लोग अभी थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर रहे हैं, मतलब स्नैक्स खा रहे हैं। देखिए ये चावल के आटे का बनता है, इसमें मूँगफली वगैरह सब कुछ होता है, तो अभी हम लोग वो स्नैक्स के जैसे खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग, आप लोग को पता है कि हम लोग डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो अभी हम ये स्नैक्स खा रहे हैं। रूही सामने रूम में है, टीवी देख रही है, थोड़ी देर हो सकता है हम लोग कुछ बातें वगैरह करें उसके बाद फिर सोने चले जाए, तो इसलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।